तो फोर्स में ही अभी एक सब टॉपिक आने वाला है, स्यूडो फोर्स। अब तक हमने जितनी भी लॉज ऑफ मोशन करा है उसमें हमने स्यूडो फोर्स का सहारा कहीं नहीं लिया है, और ये सही भी है। ग्राउंड के फ्रेम में चीजों को डील करना हमें पहले आना चाहिए। स्यूडो फोर्स बहुत बाद की चीज है, और जितनी बाद की चीज है उतनी बाद में मैं पढ़ा रहा हूं। क्या स्यूडो फोर्स नहीं पढ़ा है तो उसकी वजह से हमारा कोई क्वेश्चन रुक रहा है क्या? सब कुछ तो हो रहा है और कोई जरूरत भी नहीं है। दिक्कत इसके आने से है, इसके ना आने से कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड बोलता हूं, इसका मतलब होता है कि एक एक्स वाई जेड एक्सिस जिसको रेफरेंस मान के हम किसी चीज का मोशन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इस कमरे का डिस्कशन करना है तो हम ऐसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं, तो हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तय कर सकते हैं, है ना। अब ये कमरा किससे अटैच्ड है? हो सकता है ये कमरा किसी व्हीकल के अंदर हो। भाई व्हीकल के अंदर भी तो कमरा होता है। तो मैं कहूंगा कि अगर वो व्हीकल यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, उससे अटैच्ड कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल। यूनिफॉर्म मोशन से हो या वो रेस्ट पे हो, दो केस में उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल। और अगर वो एक्सलेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल। बस इतनी सी बात है यार। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन और एट रेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने न्यूटन के जितने भी लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, स्पेशली मैं इनकी बात कर रहा हूं, है ना, न्यूटन्स लॉज, स्पेशली मैं फर्स्ट एंड सेकेंड की बात कर रहा हूं, आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन के सारे नियम ऐसे ही किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ फेल हो जाते हैं। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू अ बॉडी इन एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलेशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर एक्सेलेशन है तो फिर वो क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
स्यूडो फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि न्यूटन के लॉ किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाए जा पाए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ फेल हो जाते हैं, उनको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है। अगर हम स्यूडो फोर्स ना भी लगाएं, हम ग्राउंड के फ्रेम में डिस्कशन कर लें किसी चीज का, तो भी जवाब मिल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के किसी चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो बिना स्यूडो फोर्स लगाए हमें सही जवाब नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्यूडो फोर्स। इतनी बातें नोट कर ली है मेरे ख्याल से। इनर्शियल जहां पे न्यूटन के लॉ वैलिड होते हैं, यूनिफॉर्म या रेस्ट, और नॉन इनर्शियल जहां न्यूटन के लॉ फेल होने लगते हैं, एक्सलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसीलिए हम लोगों ने ये स्यूडो फोर्स नाम इन्वॉल्व कराया है। फिर ये बात हम लोग जरा महसूस करने की कोशिश करें कि क्यों ये रियल नहीं है, क्यों इसकी जरूरत है। और थोड़ी देर बाद तुम्हें लगने लगेगा कि ये काफी हद तक बहुत रियल जैसा लगने लगेगा, है रियल नहीं है। इसको समझने के लिए यार हमें कुछ इमेजिनेशन लाना है। ये एक ब्लॉक है जो जमीन पे रखा है, ठीक है। ये एक ट्रक है जो जमीन पे चल रहा है, ये रुका भर है, और इसके ऊपर एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है। इस ट्रक पे एक आदमी बैठा है जिसको मैंने 5 स्टार खिला दिया है, 5 स्टार खिला दिया है। तुम्हें पता है ना, 5 स्टार खा के लोग खो जाते हैं, उनको नहीं याद रहता, उनको नहीं पता रहता कि वो एक्सलेट कर रहे हैं, वो कहाँ है, अपने आप को हमेशा रेस्ट पे महसूस करते हैं। तो ये इंसान 5 स्टार खा के टुन है, ये भी शब्द आता है जनरली, ये शब्द आता है जब वो पी के टुन होता लेकिन ये 5 स्टार खा के टुन है। एक आदमी ये है, ये बहुत रियलिस्टिक आदमी है, ये 5 स्टार नहीं खाता है, ये पूजा पाठ वाला आदमी है, ये जमीन से जुड़ा आदमी है। तो इन दोनों लोगों से हमें बात करना है। ये हमारा ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर, इसका नाम ऑब्जर्वर 2 है। हमेशा की तरह मैं आज तक का रिपोर्टर बन के ऑब्जर्वर 1 के पास गया, मैंने कहा ऑब्जर्वर 1, तो उसने बोला बताएं श्रीमान, अच्छा आदमी था ना मैंने कहा तुमको क्या लगता है इस ब्लॉक की FBD क्या होना चाहिए, तो वो तो बोलेगा नहीं तुम ही बताओ यार, इस 5 किलोग्राम की FBD में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जानना चाहता हूं, यानी जो जमीन से जुड़ा आदमी है उसके रिस्पेक्ट में, FBD ऑफ 5 kg विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 1 मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ग्राउंड में खड़ा आदमी है उसके हिसाब से बता 5 किलोग्राम के अंदर इफेक्ट यानी एक्सेलेरेशन क्या है, बोलो। 0 है। फोर्सेस कौन कौन से हैं, कॉज डायग्राम, फोर्सेस कौन कौन से हैं, 5G नीचे है, नॉर्मल एक्शन ऊपर है, मैंने कहा और तो और कुछ नहीं, बोला और सब बढ़िया, ऐसे ही लोग बोल देते हैं ना, जैसे पूछो और सुनाओ तो क्या बोलेंगे, और सब। तो यार नॉर्मल एक्शन 5G के अलावा इसने कुछ नहीं बताया। अब मैं यार इसके पास गया, तो इसके पास जाने के लिए मुझे थोड़ा जोखिम लेना पड़ा, मुझे ऊपर हेलीकॉप्टर से लैंड कराया गया इसका इंटरव्यू लेने के लिए, है ना। मैंने इससे पूछा और, तो इसने कहा कि सब बढ़िया है, लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसने कहा कुछ चल कहाँ रहा है, सब रुका है। क्यों? क्योंकि वो 5 स्टार खा के बैठा है, उसको नहीं पता है कि उसका ट्रक चल रहा है। मैंने कहा ये बताओ कि तुमको वो ब्लॉक दिख रहा है, उसने कहा हाँ दिख तो रहा है, सामने ही तो है और मेरी तरफ आ रहा है। मैंने जैसे ये सुना मेरी तरफ आ रहा है, ये क्यों बोला, तो तुम्हें समझ आया कि क्यों बोल रहा है कि मेरी तरफ आ रहा है। इसने सबसे पहले तो ये बताया कि इफेक्ट इसका, मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसकी बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक पे बैठे आदमी के रिस्पेक्ट में। तो इसने तुरंत बोला कि मुझे वो मेरी तरफ आता दिख रहा है, कितने से, तुम्हें याद है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, कि जितने से ट्रक चल रहा है ये अपना मोशन पलट के उसके अंदर देखेगा, क्या कहेगा कि मुझे ये 2 m/s² के एक्सेलेरेशन से मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है। मैं भी यार एक्सपर्ट रिपोर्टर बन के गया था श्वेता चौधरी की तरह,
क्या नाम है उसका, श्वेता चौधरी, जिसने नोट के अंदर चिप ढूंढी थी, क्या नाम था उसका, श्वेता सिंह, श्वेता सिंह। तो मैंने कहा और बताओ इसकी एफबीडी बना के बताओ जरा। तो इसने कहा देखो यार 5 किलोग्राम का ब्लॉक है तो ग्रेविटी का भूतिया फोर्स 5G लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा। मैंने कहा और, तो बोला और सब बढ़िया। मैंने कहा ये नहीं, ये बताओ कि एफबीडी में फोर्स और कौन सा है, तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ये बताओ 5G नीचे नॉर्मल ऊपर, दोनों एक दूसरे से बैलेंस है तो वर्टिकल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। मैंने कहा कि ये जो तुम एक्सेलेरेशन बता रहे हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किसने दिया है, इससे मैंने पूछा कड़वा सवाल, तो ये कुछ नहीं बोला, है ना, कड़वा सवाल वो लोग बोलते हैं ना, वो क्या नाम है, एक प्रोग्राम आया करता था जिसमें वो मतलब बहुत चुभने वाले सवाल पूछते हैं। हाँ, आपकी अदालत, आपकी अदालत में तो बड़ा मीठा बोलता है वो, एक आधा करता था आज तक में ही आता था, वो आता नहीं आजकल जब से मोदी सरकार आई, वो एक बूढ़ा बूढ़ा सा, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो बहुत बहुत ही वैसे सवाल पूछता था, सामने वाले को 1 मिनट के लिए लगेगा कि ये थप्पड़ मार देगा। और वो गंजा गंजा बूढ़ा बूढ़ा सा था वो, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता था। अब तो यार बिल्कुल खुश करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे रवीश कुमार, रवीश कुमार नहीं यार, ये नाम आएगा तब मैं बता दूंगा, भी याद नहीं रहा। रवीश कुमार तो वो तो मतलब कभी मीठा नहीं बोलता यार। वो तो बस तीर ही चलाता रहता है, थोड़ा कभी कभी मीठा बोल दिया करे तो आदमी खुश हो जाए। हाँ भाई, तो मैंने इससे पूछा कि बताओ ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है तो फोर्स कहाँ है, तो बस ये कुछ नहीं बोला, इसकी बोलती बंद। क्या ये एक्सप्लेन कर सकता है, अच्छा ये तो बोलेगा कि एक्सेलेरेशन है क्योंकि रिलेटिव मोशन महसूस हो रहा होगा, क्या ये एक्सप्लेन कर सकता है कि एक्सेलेरेशन कहां से आया, तुम बताओ कोई फोर्स है जो ये एक्सेलेरेशन दे रहा होगा, नहीं ना, यानी इसका मतलब इफेक्ट है कॉज नहीं है, एक्सेलेरेशन आया है मगर फोर्स नहीं है, तो क्या यहां से न्यूटन का लॉ फेल हो गया ना, इसके रिस्पेक्ट में न्यूटन का लॉ फेल हो गया। लेकिन ये रुका नहीं, ये बहुत होशियार आदमी था, इसने अभी एक कहानी बनाई, ये कहानी थोड़ी देर में तुम्हें भी सच लगने लगेगी। जब भी हम किसी ट्रेन या बस में बैठते हैं और वो एक्सलेट करना स्टार्ट करता है तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे तुम्हें पीछे धक्का लग रहा है, हालांकि वो धक्का होता नहीं है, ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे तुम एक चटाई में खड़े हो और कोई अचानक से चटाई पकड़ के खींच दे तो क्या होता है, तुम ऐसे गिर जाते हो, है ना। हुआ क्या है इस दौरान कि तुम्हारे पैर को खींच लिया गया क्योंकि पैर चटाई के टच में था, बाकी बॉडी रुके रहना चाहती थी इनर्शिया की वजह से, इस वजह से तुम गिरते हो, यानी तुम इसलिए नहीं गिरे तुम्हें पीछे फोर्स लगा है, तुम इसलिए गिरे तुम्हें आगे फोर्स लगा है पैर पे। तो जैसे यार ट्रेन या बस अचानक से आगे एक्सलेट करेगी तो क्या यार जो हिस्सा हमारे ट्रेन या बस के टच में है वो तो आगे बढ़ जाएगा, बाकी हिस्सा रुका रहना चाहते तो हमें धक्का क्या लगता है, पीछे। तो ये मेरे को बोला कि पता नहीं क्यों, मतलब इसने बताया नहीं कि क्या कारण है, इसको भी कारण नहीं पता था, बोला क्यों नहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई पीछे धक्का दे रहा है, जब से मैं यहां बैठा हूं तब से इस दीवार से चिपक के बैठा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा। मैंने कहा क्यों भाई ऐसा क्यों, बोले पता नहीं कोई फोर्स है जो मुझे पीछे लग रहा है, जैसे ग्रेविटी mg लगाती है ऐसी मुझे, ये 50 किलोग्राम का आदमी था, है ना। मैंने कहा कि अगर ये सच है तो इसका मतलब तुमको अगर पीछे फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब तुम दीवार को धक्का दे रहे हो पीछे, वो बोला हाँ दे रहा हूं दीवार पे धक्का हो रहा है और मैं ये प्रूव कर सकता हूं। प्रूव करने के लिए इसने क्या कहा कि मुझे एक वेट मशीन चाहिए, बेसिकली जो फोर्स बता सके कि मेरे मैंने दीवार को कितना पीछे धक्का दे रखा है। तो इसके ऑर्डर पे मैंने हेलीकॉप्टर से एक वेट मशीन मंगवाई, यही गिरा दी गई और इसकी पीठ पे एक वेट मशीन लगा दी गई, यहां पर दीवार दीवार और मैन के बीच में ये वेट मशीन लगा दी, वेट मशीन की रीडिंग 100 न्यूटन आई, क्या आई 100 न्यूटन। तो इसका मतलब इसकी बात झूठ तो नहीं है। अब मुझे तो पता करना था यार ये कह क्या रहा है, चीज क्या है। तो मैं उतर के फिर से जमीन पे आया और मैंने जमीन के रिस्पेक्ट में इसका कारण जानने की कोशिश की, तुम भी जमीन पे आ जाओ, अब हम जमीन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मैं इस 50 किलोग्राम के आदमी की FBD बना रहा हूं,
पता यार 50 किलोग्राम की एफबीडी मैं बनाऊंगा, कौन कौन से फोर्स हैं इसमें, 50G नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, ये कॉस डायग्राम है, इफेक्ट क्या दिखाओगे, इफेक्ट क्या दिखाओगे, हाँ पीछे फोर्स क्यों दिखाओगे, हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जमीन पे खड़े हुए हैं, हमें जमीन में थोड़ी यार स्यूडो फोर्स महसूस होगा, हम कहेंगे यार कॉज में इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इफेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। अरे गाड़ी चल रही है तो आदमी नहीं चल रहा है, जैसे मुझे इफेक्ट का ख्याल आया तो तुरंत ध्यान आएगा कि यार इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन दे रहा होगा, ये दीवार दे रही होगी, दीवार या जो मैंने वेट मशीन रखी वो दे रही होगी, यानी इसको सामने की तरफ एक साइड नॉर्मल एक्शन मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, आदमी को आगे मिल रहा होगा, आदमी को आगे मिल रहा होगा, और इस मशीन को कहां मिल रहा होगा, पीछे मिल रहा होगा, नहीं, तभी तो यार ये एक्सीलरेशन है, ये एन प्राइम मैं बता सकता हूं कितना होगा न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के, क्या एन प्राइम आगे इज इक्वल टू एम इनटू ए, 50 किलोग्राम का आदमी है, 2 का एक्सीलरेशन तो कितना आएगा 100 न्यूटन। मैं वापस गया हेलीकॉप्टर से उसी के पास, मैंने कहा भैया तुमको जो एन प्राइम मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम्हें धक्का पीछे लग रहा है, बल्कि तुमको ये सीट आगे धक्का दे रही इसलिए लग रहा है। उसने कहा नहीं मैं तो चल ही नहीं रहा हूं, वो तो इस बात को खारिज कर दिया कि मैं चल ही नहीं रहा हूं, वो कह दिया कि मेरे अंदर एक्सेलेरेशन ही नहीं है तो एन प्राइम कहां से आ गया, वो अपनी कहानी पर टिका है, कह रहा है कि मुझे जो है ना पीछे धक्का लग रहा है और इसलिए नॉर्मल एक्शन आगे लग रहा है, नहीं समझे, कह रहा है कि मुझे जैसे ग्रेविटी एम इंटू जी का फोर्स नीचे लगाती, ऐसे ही मुझको, मैं 50 किलोग्राम का हूं, अगर 100 न्यूटन की रीडिंग आई है तो मुझको इसका मतलब 50 इंटू 2 का कोई फोर्स पीछे लगा रहा है, इसको अभी भी नहीं पता कि यह चल रहा है, लेकिन क्या इस वेट मशीन की रीडिंग से यह बता सकता है कि 50 किलोग्राम का आदमी है और 100 की रीडिंग आई है, इसका मतलब 50 इंटू 2 का फोर्स पीछे लगा है। अच्छा ये रीडिंग तुम कैसे बताओगे जमीन में खड़े होके कि चलाने के लिए नॉर्मल एक्शन आगे मिला है इसलिए रिएक्शन मिला है, और वो कैसे बोल रहा है कि मुझे एम इंटू ए का स्यूडो फोर्स पीछे मिला है इसलिए नॉर्मल एक्शन आगे लगा है, क्या बताओ उसके झूठ। पहली बात तो यह है कि उसके रिस्पेक्ट में झूठ लगता ही नहीं है। जब तुम ट्रेन में बैठते हो तो एक्सेलेरेशन आता है, कब ट्रेन का तो छोड़ो, अगर कभी एरोप्लेन में बैठो ना, जब वो स्पीड पकड़ता है तो थोड़ी देर के ऐसा लगता है कि कोई हमें पीछे धक्का दे रहा है, कितने लोगों ने महसूस किया है, कितने लोग एरोप्लेन में बैठ चुके हैं, ऐसा लगता है ना कि कोई पीछे धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब यार वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही बोल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि पीछे लग रहा है, तो वो सही बोल रहा हो चाहे झूठ बोल रहा हो, कम से कम एक्सप्लेनेशन तो मिल ही रहा है। वो क्या कह रहा है कि 50 किलोग्राम का मैं हूं, पता नहीं मुझे 50 इंटू 2 का फोर्स पीछे महसूस हो रहा है, इसलिए मुझे रोकने के लिए नॉर्मल एक्शन लग रहा है, वो कह रहा है मुझे रोकने के लिए लग रहा है, जमीन वाला क्या कहेगा कि चलाने के लिए लग रहा है, दोनों की कहानी अलग अलग है, लेकिन कम से कम नॉर्मल एक्शन का एक्सप्लेनेशन तो मिल गया ना। मैंने कहा ठीक है तो इससे उस बात का क्या लेना देना, अब 5 किलोग्राम पे फिर से आ जाते हैं, तो बोला देखो यार अगर मुझको फोर्स लग रहा है पीछे तो फिर दुनिया की हर चीज को लग रहा होगा, तो बोला अगर मुझे 50 इंटू 2 यानी 100 न्यूटन पीछे लग रहा है तो 5 किलोग्राम को कितना लग रहा होगा, 5 इंटू 2 कितना 10 न्यूटन, यही उसको चला रहा है, नहीं समझे यार, मतलब ये कि वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि खुद स्यूडो फोर्स महसूस कर रहा है तो दुनिया की हर चीज की एफबीडी बनाते समय वो स्यूडो फोर्स लगा दे रहा है, कह रहा है मुझको 50 इंटू 2 लग रहा है तो उस बॉडी को 5 इंटू 2 लग रहा होगा, नहीं समझे, क्या बताओ 5 इंटू 2 मतलब 10 ना, तो 10 न्यूटन 5 किलोग्राम की बॉडी को 2 से चला सकता है कि नहीं चला सकता है, वो चल रही हो चाहे ना चल रही हो कम से कम उसने झूठ बोला और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। हाँ ये बताओ इस आदमी को स्यूडो फोर्स कहां महसूस हो रहा है, पीछे, तो दुनिया की हर चीज में स्यूडो फोर्स कहां दिखाएगा, पीछे, यानी स्यूडो फोर्स का लेना देना ऑब्जर्वर से है बॉडी से नहीं है। और क्या बताया इस एक्सप्लेनेशन से अब हम बता सकते हैं कि 5 किलोग्राम की बॉडी पीछे क्यों एक्सलेट कर रही है, एक्सलेट नहीं कर रही, इसके रिस्पेक्ट में एक्सलेट कर रही कि नहीं, तो ये बता तो रहा है यार कि जैसे मुझे 100 न्यूटन लग रहा है इसको 10 न्यूटन लग रहा होगा इसलिए 5 किलोग्राम की बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन है, नहीं तो स्यूडो, पहली बात तो यार एक्सेलेरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका इफेक्ट गलत है, और उस इफेक्ट को समझाने के लिए ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाया है ना,
और क्योंकि स्यूडो फोर्स हमें रियलिस्टिक लगता है इसलिए हम इस बात को अब मानेंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यार स्यूडो फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, यहां तक तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हम लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स कितना लिया जाता है, फोर्स वो कितना होगा एम इंटू ए, जहां एम क्या है, एम किसी भी चीज का मास, मास ऑफ एनी बॉडी अंडर डिस्कशन, किसी भी बॉडी का अंडर डिस्कशन, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका मास है। और ए क्या है, ए है एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलेरेशन किसका, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के हम स्यूडो फोर्स की बातें कर रहे हैं उसका एक्सेलेरेशन है। डायरेक्शन कहां होती है स्यूडो फोर्स की, ऑफ स्यूडो फोर्स कहां है, इज ऑपोजिट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बता रही है, ये एक्सेलेरेट कहां कर रहा है, आगे, तो ये अपनी दुनिया में स्यूडो फोर्स कहां महसूस कर रहा है, पीछे, और हर चीज में स्यूडो फोर्स लगा रहा है। और इसके स्यूडो फोर्स लगाने से हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, नहीं मिल जा रहा, क्या इसको नॉर्मल एक्शन आगे लगा है, क्यों लगा है, तो ये क्या बताएगा, मैं 50 किलोग्राम का हूं तो मुझे 50 × 2 लग रहा है पीछे, इसलिए 100 न्यूटन है। वो 5 किलोग्राम की बॉडी है तो 5 × 2 यानी 10 पीछे लग रहा है, इसलिए उसके अंदर एक्सेलेरेशन है। हालांकि ये दोनों जगह झूठ बोल रहा है, बट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो ये झूठ चलेगा, और अपने फ्रेम में तो वो सही बोल रहा है। तो यार दुनिया में सारी चीजें, हर कोई अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही हो सकता है। कई बार हम लोग दूसरे को गलत बोल देते हैं क्योंकि हम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ नहीं पाते हैं। तो इससे मुझे ये पता चला, बीइंग अ रिपोर्टर मेरी आंखें पहली बार खुली कि वो भी झूठ नहीं बोल रहा और ग्राउंड वाला भी झूठ। कई बार सबके अपने सच सही होते हैं, है ना, बस वही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने की जरूरत है। अगर हम दूसरे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मिनट के लिए भी ला पाए तो शायद वो भी सही लगने लगेगा, इससे हमें ये पता चलता है। अच्छा तुम बताओ यार, तुम्हें स्यूडो फोर्स महसूस हुआ है ना, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुमसे कोई लड़ने को आ जाए कि नहीं तुम्हें स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा है, तुम मानोगे, उसको भी लगेगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऐसा लगता है। ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी ये है कि तुम्हारे बॉडी का वो हिस्सा जो टच में है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है इसलिए ऐसा लगता है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन ये झूठ हमें ज्यादा सही लगता है उस फ्रेम ऑफ, तो उसकी भी बात मान लेते हैं, उससे कम से कम न्यूटन के लॉ सही हो जा रहे हैं। क्या बात समझ रहे हो, क्या इस 5 किलोग्राम में सही में कोई फोर्स लग रहा है, अरे ये तो जमीन पर रखा है, वो तो देखने वाले का नजरिया है, एक तो दिखाई गलत दे रहा है ऊपर से एक्सप्लेनेशन गलत दे रहा है, लेकिन वो गलत चलेगा उसके फ्रेम में, वो गलत चलेगा। सारा खेल इस बात का है कि हम चीजों को देख कहां से रहे हैं, बस मेरा है। क्योंकि सास भी कभी जब वो बहू थी तब उसको अपनी सास गलत लगती थी, और अब वो सास है तो उसको अपनी सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या ये स्यूडो फोर्स की लाइनें अब याद रहेंगी, हाँ ये नोट कर ले। ये हटा दें, नहीं, अच्छा ये नोट करना है। तो खैर अगर कोई बॉडी बहुत बड़ी है और पूछे कोई कि स्यूडो फोर्स लग कहाँ रहा है, जैसे ग्रेविटी का फोर्स कभी हम एक पॉइंट पे बताना चाहें कहाँ लग रहा है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। उसी तरह से स्यूडो फोर्स भी हमेशा कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। अगर एक पॉइंट बताना हो तो हम हमेशा बोलेंगे सेंटर ऑफ मास पे। तो ये आदमी अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही बोल रहा था, लेकिन मास जनता कहां रहती है,
जमीन में या उस ट्रक के ऊपर, तो किसको सही माना जाएगा? जमीन पे रहने वाले लोगों को। यही दुनिया यार, कई बार सच्चाई बहुत रेयर लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन भीड़ जो कह देगी उसको सही मान लिया जाता है। ये बहुत दयनीय स्थिति होती है। तुम्हें पता है सुकरात ने पहली बार ये बताया था कि अर्थ के चारों तरफ सन और मून नहीं घूम रहे, बल्कि सन के चारों तरफ ये सब घूम रहा है। पहली बार उसको पॉइजन दे दिया गया था। क्यों? मास ऑडियंस क्या कह रही थी कि तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये कहानी बड़ी फेमस है। वो बहुत रेयर लोगों में था और दुनिया भर के ऑब्जर्वेशन करके अपनी जिंदगी की आधी एज उसी में डेडिकेट करके उसने ये कंक्लूजन्स बनाए थे, और आज हम सब जानते हैं कि ये सच है। मास ऑडियंस का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है। तो इस बंदे को एक सजा सुना दी गई। वहां के राजा को नहीं पसंद आया, ये तो झूठ बोल रहा है और झूठ पे भी इतना टिका हुआ है, ये मीडिया पे मैंने चला दिया चैनल पे, तो इसको उठवा लिया गया। इसको सजा सुनाई गई है, काफी साइंटिफिक सजा सुनाई गई है। ये नोट कर लिया हो तो मैं इसकी सजा आगे बढ़ाऊं। जो साइंटिफिक फैक्ट्स है ना, साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके कंक्लूजन निकाले, लेकिन कन्विंस करने में उनको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ी हमेशा से। कन्विंस करना इससे मतलब कि प्लैंक्स की थ्योरी को बहुत बाद में वैलिडेशन मिला, आइंस्टाइन की थ्योरी को बहुत बाद में वैलिडेशन मिला। कई साइंटिस्ट तो खत्म हो गए, बाद में जाके पता चला वो सही बोल रहा था, बाद में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्योंकि यार सब ये ठीक है, तुमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जल्दी लोग नहीं समझते। खैर, थोड़ा सा हम लोग बीच बीच में उनको लेके सिंपैथी दिखाते हैं। बहुत बड़ा सा ट्रक है, उसी आदमी को सजा सुनाई गई इस ट्रक में। ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि उसने इसी पे डिस्कशन किया था, तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको सजा सुनाई गई थी। इसको एक साल एक रेल ट्रैक पे, स्ट्रेट ट्रैक पे चलना है, और एक ही एक्सेलेरेशन से। ठीक है, इस ट्रक में इसके जीने खाने के लिए एक पानी का टैंक रख दिया गया था, एक बॉल लटका दी गई थी ताकि कभी इसको खोल के खेल सके। यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी रख दी गई थी ताकि यहीं पे घास फूस उगा के अपना खाता पीता रहे। ये एक साल तक दुनिया से कट गया था, अगल बगल ग्लास ग्लास लगा था, तो बाहर मतलब थोड़ा बहुत जिंदा बना रहे, ये कोशिश करी गई थी। साइंटिस्ट आदमी था तो तरस खा के, बाकी मानने कोई तैयार नहीं था। फिर जैसे ही इसको सजा सुनाई गई, गाड़ी बंद कर दी गई, एक्सलेट कर दिया गया, तो पहला बदलाव तो ये हुआ होगा कि ये मास का ब्लॉक ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हैंग होगा, पानी का कंटेनर ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रुकेगा, और ये खुद भी इंसान तो मैंने बनाए नहीं, ये इंसान ऐसे खड़ा होता था। कह रहा था यार सजा सुनाई थी, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे बैठ के साइंटिफिक कुछ करते रहेंगे, लेकिन कम से कम हमारा फ्लोर तो सीधा दे देते। इसकी ये शिकायत थी कि फ्लोर टेढ़ा है। क्यों शिकायत थी अभी मैं बताता हूं। क्या बताओ, किसी भी एम मास की चीज पे एमजी लग रहा होगा, किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और क्या ये एक्सलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और क्या लग रहा होगा? एमए का स्यूडो फोर्स। तो इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बातें करते हैं, एमए का स्यूडो फोर्स। तो क्या बता रहे, एमजी और एमए का नेट निकालते हैं जरा, एमजी ऐसे एमए ऐसे, तो नेट कहां आएगा? क्या नेट कुछ टिल्टेड आएगा कि नहीं? नेट कितना आएगा पहले वो निकाल लेते हैं। नेट आएगा एमए का स्क्वायर प्लस एमजी का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। दूसरा कि कितना टिल्टेड आएगा, ये टेन थीटा मुझे निकालना है, निकालना आता है। कितना आएगा? एम ए बाई एम जी, एम से एम कट गया, टेन थीटा बराबर कितना आ गया? ए बाई जी। अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि हर एम मास की चीज को जो फोर्स लग रहा है उसमें एम जी और एम ए दोनों शामिल है, और जब दोनों शामिल है तो ऐसे वो ठहर ही नहीं सकता है। जहां नेट महसूस होगा वहीं तो धागा अलाइन करेगा अपने आप को। क्या बताओ, एम मास की चीज कोई अगर यहां लटकाएगा तो जहां एमजी लग रहा है वहीं तो अपने आप को अलाइन करेगा। क्या इसको एमजी अकेला लग ही नहीं रहा, दो दो लग रहे हैं, तो उसका नेट जहां आएगा वहीं तो अलाइन करेगा। यानी यार ये एम मास का बॉब जो लटका था वो टेढ़ा लटका था। अब यार हर चीज पे अगर यहां फोर्स लग रहा है, जैसे बताओ अगर मैं यहां पानी का एक कंटेनर रखूं
तो सारे मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहते हैं, इस चक्कर में उसका प्लेन उसके परपेंडिकुलर बनता है। भाई जमीन का प्लेन ग्रेविटी के परपेंडिकुलर ही बना है, क्योंकि सारे फोर्सेस नीचे ले जाना चाहते हैं, तो बात इक्वालिटी पे खत्म होती है। तो यार अभी बताओ यार, पानी के हर मॉलिक्यूल को इस लाइन के लोन खींचा जा रहा होगा कि नहीं, तो इक्वालिटी उसके परपेंडिकुलर होगी। यानी यार जो पानी का कंटेनर पहले ऐसे वर्टिकल हुआ करता था, वो कितना एंगल टिल्ट कर गया होगा, 10 थीटा इक्वल टू ए बाई जी। क्या ये आदमी भी टेढ़ा क्यों खड़ा है? अरे एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको भी तो लग रहा होगा, और वो भी इस लाइन में। अच्छा बताए, जब हम पहाड़ में चढ़ते हैं, ये मान लिया पहाड़ है, तो ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे खड़े होते हैं? ऐसे फर्स्ट या सेकेंड? कितने लोग पहाड़ में चढ़े हैं? तुम आज तो पहाड़ में नहीं गए, डर लगता होगा पापा गिर ना जाओ, क्योंकि तुम अगर ऐसे खड़े हो गए तुमको डर लगेगा। ठीक है यार, तुम अब फिजिक्स पढ़ के जाओगे, कोई खतरा नहीं। कितने लोग जा चुके यार पहाड़ में? अरे पहाड़ में नहीं गए, किसी टीले में तो चढ़े हो गए यार, के लिए पहाड़ में जाने की क्या जरूरत है यार, वहां खतरा ज्यादा है। तो यार हम हमेशा अपने आप को एम जी के अलोंग ही अलाइन करते हैं। ऐसे अगर हम लोग खड़े हो गए तो एम जी लगेगा, वो हमको टॉर्क देके ऐसे पलटा देगा। तो यार जहां नेट फोर्स लगता है, हम हमेशा अपने आप को उसी के अलोंग अलाइन करते हैं, तो इसको नेट फोर्स कहां लग रहा है? इस लाइन में नहीं, तो देखो यार उसी हिसाब से अपने आप को अलाइन किया है, इसीलिए तो कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है, आई मीन इसका फ्लोर टेढ़ा है। तो ये भी स्मार्ट आदमी था, साइंटिस्ट टाइप का आदमी था, इसने बहुत होशियारी का काम किया। इसने क्या, ये मिट्टी जितनी दी गई थी उसको यूज किया और अपने फ्लोर को अपडेट कर लिया, छत को भी अपडेट कर दिया, और अपना पानी का कंटेनर यहाँ लाके रख लिया, जो बॉल थी वहां यहाँ हैंग कर दिया, और अब खुद ऐसे खड़ा होता था और कहता था अब मैं सीधी दुनिया में आ गया हूं। नहीं, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सीधी दुनिया तो यही है। क्या बताओ, हर चीज पे यहां फोर्स लग रहा है ना? नहीं, तो देखो यार जहां फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर अब खड़ा है, पानी का लेवल ये है, इसको ये दुनिया सीधी लगती होगी, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब ये जमीन वालों को देखता होगा तो कहता होगा मैंने तो अपना फ्लोर अपडेट कर दिया, ये लोग कैसे टिके हुए? नहीं समझे, ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही है, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही थोड़ी है, इसकी पूरी दुनिया बदल गई यार। अच्छा एक बताओ, इसकी दुनिया में अगर ये धागा टूट जाए तो ये कितने एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेगा? ये बात समझो यार, अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट एम मास का लटकाया जाए तो वो जी के एक्सेलेरेशन से गिरता है, क्योंकि उसमें एम इंटू जी का फोर्स लग रहा है। यहां कितने का फोर्स लग रहा है? तो इसका जी इफेक्टिव मैं इसको कहूंगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, क्या अगर इसको एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का फोर्स लग रहा है तो जैसे ही धागा टूटेगा तो किस एक्सेलेरेशन से गिरेगा? यार इस दुनिया में पूरी काइनेमेटिक्स जो हम फ्रीली अंडर ग्रेविटी पढ़ा करते थे वो बदल चुकी है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जी की इफेक्टिव वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। कोई पूछे एक बॉल को यहां से एच ऊंचाई से गिराया गया, बताओ उसका वी कितना होगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? तो तुम लिखोगे अंडर रूट टू जी एच, और जी की जगह क्या? नहीं, क्या इसकी काइनेमेटिक्स में कोई पूछा यहां से यहां तक टाइम ऑफ फॉल कितना होगा? तो अंडर रूट टू एच बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव जो भी है, मैं जी इफेक्टिव इसको बोल रहा हूं, नहीं होगा यार। क्या इस दुनिया में अगर कोई पुली का क्वेश्चन बना दे, ये एम वन मास ये एम टू मास, याद है ए से नीचे ए से ऊपर, इसका आंसर क्या आता था? M1 minus M2 into G upon M1 plus M2. तो यहां क्या आएगा? M1 minus M2 into G effective. क्या इस frame of reference में कोई projectile motion करे तो उसके range का formula क्या होगा? U square sin 2 theta upon G effective. क्या पूरी kinematics और पूरा laws of motion इस frame of reference में discuss किया जा सकता है कि नहीं? इसलिए इसकी भावनाओं को समझना जरूरी है। ये diagram बनाना है और पूरी भावनाएं यहां ले आए। पूरी mechanics क्या इस frame of reference में नहीं discuss करी जा सकती? यार फिजिक्स में जहां खड़े हो जाओ क्वेश्चन ही क्वेश्चन नजर आते हैं, तो ये बस यहीं से यार समझ लेना है। अभी हम हर बातें यहां नहीं करेंगे। जी की इफेक्टिव वैल्यू बदल गई है और पूरा सिस्टम इतने एंगल से टर्न कर गया है।
तो साइंटिस्ट आदमी था, देखो राह बना ली, अपने लिए कमरा बना लिया, यहीं पे अपना घास फूस उगा के अपनी जिंदगी काट रहा है। एक साल बाद आएगा, कुछ बड़ा आविष्कार करेगा। कितने पे चला दिया भाई तुम लोग? 30 पे चलाते हो? तीस पे कौन चलाता है? यार बहुत सारे डिस्कशन अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पूछे गए हैं तो बस उसी की भावनाओं को समझना ज्यादा अच्छा है। ग्राउंड से उतर के डिस्कशन करना सही नहीं है। अगर उसी फ्रेम की बातें हैं तो उसी फ्रेम में डिस्कस करो। इसीलिए हम स्यूडो फोर्स पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज को दोनों फ्रेम से देखा जा सकता है तो ऐसा नहीं कि हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम दोनों फ्रेम से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात समझने के लिए मैंने लिफ्ट का डिस्कशन यहाँ पे लिया है। ये लिफ्ट ए के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है और ये ब्लॉक उसके साथ साथ ऊपर जा रहा है। और इस ब्लॉक का डिस्कशन हम दो फ्रेम में करने चाह रहे हैं। किसके फ्रेम में? एक जमीन में खड़े हुए आदमी के हिसाब से। ये चारों तरफ से कांच वाली लिफ्ट है और मॉल वाली लिफ्ट है। तो एक आदमी यहाँ है, इसको भी ये ब्लॉक दिख रहा है। इसका नजरिया क्या होगा डिस्कशन का? और एक लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा है, लिफ्ट मैन, ये सुबह शाम तक यही करता है, लिफ्ट मैन है, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या डिस्कशन होगा? दोनों डिस्कशन और डिस्कशन से जो आंसर्स आना है उन पे क्या आंसर्स आएंगे मैं इसका बताने वाला हूं, बल्कि तुम भी बता ही सकते हो। सबसे पहले मैं इसका डिस्कशन किसके रिस्पेक्ट में करने वाला हूं? ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड में खड़ा आदमी इस एम मास के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या बताएगा, ये नोट कर लिया ना भाई सबने? बताओ जरा, ये जमीन पे खड़ा आदमी इस ब्लॉक के बारे में सबसे पहले तो इफेक्ट बताएगा। क्या बताएगा? कि ये ए के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। और क्या बताएगा? और बताएगा इस एम मास पे एम जी का फोर्स नीचे है, नॉर्मल एक्शन ऊपर है। तो यहां पर फर्स्ट लॉ लगाना चाहिए या सेकेंड लॉ लगाना चाहिए, बताओ जरा? अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सलेशन है तो हमें क्या लगाना चाहिए? सेकेंड लॉ। इक्वेशन क्या बनाओगे? n माइनस एम जी इक्वल टू क्या? एम ए। तो n बराबर क्या आ गया? एम जी प्लस ए। ये तो हो गया ग्राउंड वाला आदमी जिसने नॉर्मल एक्शन निकाल के दिया है, सेकेंड लॉ लगाया है। ये बात हम शुरू से जानते हैं, कोई आज की बात नहीं है। अब जरा हम इससे बात करते हैं, इस आदमी से।
तो ये आदमी सबसे पहले मुझे बताओ इस ब्लॉक के बीडी में इफेक्ट क्या बोलेगा, कहेगा रुका है, नहीं बोलेगा लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, रुका। और क्या बोलेगा, कहेगा दुनिया में हर चीज को एमजी लगता है तो इसको भी। और क्या बोलेगा, और कुछ बोलेगा, और कुछ बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। क्या ये एक्सेलेरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा है या यूनिफॉर्म मोशन में? तो अगर एक्सेलेरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स कहां महसूस होगा? कहेगा पता नहीं लिफ्ट में जब से मैं बैठा हूं तो ग्रेविटी के अलावा कुछ एडिशनल फोर्स लग रहा है, मेरे को लग रहा है तो इसको भी लग रहा होगा। क्या लगेगा यार, एक्सेलेरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स हमेशा कहां लगता है, अपोजिट। बताओ अच्छा न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएगा या ये सेकेंड लॉ लगाएगा? यार रुकी हुई चीज पे तो फर्स्ट ही लॉ लगता है, फर्स्ट लॉ लगाएगा, कहेगा ऊपर वाला एन नीचे वाले दोनों फोर्सेस को रोक रहा है, एमजी और एमए को। तो बता यार एन का आंसर क्या आया है, सेम आया है कि नहीं? न्यूटन लॉ फेल होते होते बच गया, क्या लगाने से, स्यूडो फोर्स लगाने से, नहीं वरना एन का आंसर अलग आता, एन का आंसर अलग हो ही नहीं सकता, ये तो रियलिटी है ना यार, एन तो रियल फोर्स है, लेकिन स्यूडो फोर्स झूठ मूठ का है, वो लगा के हमारा काम बन गया है। बता इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या है यार? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जी की इफेक्टिव वैल्यू जी प्लस ए है। अब मैं यहां भी कोई सिक्का गिरा दूं और पूछूं बताओ एच ऊंचाई से गिराया उसका टाइम ऑफ फाइल क्या होगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी प्लस ए, नहीं होगा? यहां पे अगर कोई बॉल गिराई गई है एच ऊंचाई, उसकी स्पीड क्या होगी, अंडर रूट टू जी प्लस ए इंटू एच। क्या वो सारी बातें इस फ्रेम में नहीं डिस्कस करी जा सकती है? पूरी काइनेमेटिक्स, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या जनता समझ पा रही? तो मैंने अभी एक्सेलेरेटिंग अप वाली लिफ्ट डिस्कस करी है दोनों आदमियों के हिसाब से। अब मैं चाहता हूं यार ये लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलेरेट कर रही है, यही ब्लॉक है, एक लिफ्ट वाला आदमी है उसके हिसाब से और एक जमीन पे खड़ा आदमी है उसके हिसाब से, तो मैं डिस्कशन करने हैं, ये नोट कर लें पिछला वाला और ये वाला, पूरा अपने मन से करके दिखाना है, कोई मदद किसी की नहीं, अपने मन से। विशाखा सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक, क्वेश्चन कर पा रहे हैं? कॉपी यस सर कर रहे हैं। लेके बैठे हैं? यस सर, दिखाओ। ठीक, नहीं नहीं मान लेते हैं। पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाना है, फिर इस फ्रेम में एफबीडी बनाना है, दोनों से आंसर तो सेम ही आएंगे, दोनों पे क्यों लगा? पहले एक तो पूरा कर लो, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये किसके फ्रेम में बनाया है? लिफ्ट मैन के। और ग्राउंड वाला कहाँ है? ठीक, सही, बहुत बढ़िया। एन निकालो, एन अननोन है, एन निकालना है। लिफ्ट के एस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या होगा? हाँ, लिफ्ट वाला आदमी क्या बोलेगा कि ब्लॉक नहीं, लिफ्ट के अंदर तो खड़े हुए को ब्लॉक रुका हुआ नजर आएगा ना, उसको नजर नहीं आएगा, वो तो उसके अंदर है, उसको क्यों नजर, वो तो फाइव स्टार खा के बैठता है ना, हर कोई जब लिफ्ट में आता है उसको एक फाइव स्टार पकड़ा देता है। ये विद रिस्पेक्ट टू
लिफ्ट हो गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसी का डिस्कशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मुझे बताओ एक्सेलेरेशन कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ है। नीचे है बेटा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ हो गया? ये हो गया, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो है, तो बस ठीक है। एन निकालो, एन निकालो, वही आएगा। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कहाँ बनाया है? ये बनाया है, ये तो बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लिफ्ट वाला कहाँ बनाया है? एन इधर है, एम जी इधर है। क्या बात कर रहा है, लिफ्ट पे आदमी क्या कहेगा कि ब्लॉक नीचे एक्सलेट कर रहा है। जब तुम लिफ्ट में खड़े होते हो तो बगल के बारे के वाले में क्या कहते हो? बगल वाले के बारे में ऊपर जा रहा है। माय गॉड यार, ये बताओ ये आदमी बैठा है, ये ब्लॉक को देख के क्या बोलेगा? ऊपर जा रहा है। माय गॉड, जब तुम लिफ्ट में खड़े होते हो तो बगल वाला दोस्त तुम्हें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, रेस्ट पे नजर आता है। ये बात तुमको कितने तरीके से समझाया यार, फाइव स्टार खिला दिया, लिफ्ट का फ्रेम बता दिया, ये क्या कहेगा कि कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। एमबीडी में क्या क्या बनाएगा? एमजी नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, और क्योंकि एक्सेलेटिंग फ्रेम में बैठा है और लिफ्ट नीचे एक्सेलेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स कहां महसूस होगा? एमए का स्यूडो फोर्स ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएगा या सेकेंड? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएगा कि सेकेंड? सेकेंड लॉ तब लगता है जब एक्सेलेरेशन हो। एक्सेलेरेशन है क्या तो फर्स्ट लॉ लगाएगा, क्या कहेगा? नीचे mg है, ऊपर n प्लस ma है, दोनों बराबर होंगे, तो n का आंसर कितना आ गया? mg माइनस ma, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किसका है? हाँ ठीक ठीक, ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट पे खड़े आदमी। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जरा बीडी बनाते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ग्राउंड वाला आदमी इफेक्ट क्या बताएगा कि एक एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, ये तो अलग ही बात बोल रहा है। फोर्स कौन कौन से? एम जी नीचे, एन ऊपर, फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ? अब सेकेंड लॉ क्या बनेगा? एम जी माइनस एन बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए, तो n बराबर क्या? एम जी माइनस ए। मुझे बताओ कि दोनों से आंसर अलग आया क्या? नहीं, सेम आया है, लेकिन बिना स्यूडो फोर्स के आंसर नहीं आ सकता था। इसका मतलब स्यूडो फोर्स को हम हकीकत मान लें उसके फ्रेम में। मुझे बताओ इस फ्रेम में g की इफेक्टिव वैल्यू क्या है? नहीं, अगर यहां से कोई बॉल गिराई जाए तो उसके लिए g इफेक्टिव कितना होगा? g माइनस ए। उसके लिए टाइम ऑफ फॉल क्या होगा? अंडर रूट टू एच अपॉन g माइनस ए। उसके लिए वेलोसिटी ऑफ फॉल क्या होगा? अंडर रूट टू जी माइनस ए इंटू एच। पूरी काइनेमेटिक्स सब कुछ उस फ्रेम में बदल जाएगा। क्या ये जनता समझ पा रही है? ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे यार, कोई क्रिएटिविटी की लिमिट नहीं किसमें क्या पूछ ले। जब तुमने पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ रखी है जी के इफेक्ट में, तो क्या जी प्लस ए के इफेक्ट में पूरी काइनेमेटिक्स नहीं आ सकती? जी माइनस ए, तो क्रिएटिविटी की फिजिक्स में कोई लिमिट ही नहीं है यार। जब चाहो जितने चाहो क्वेश्चन बना लो, है ना। लेकिन बस ये कि बहुत ज्यादा लंबी मैथ्स नहीं होने पाती है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर ले तो अपने आप सब कुछ कवर हो जाता है, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी किए हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो बस प्रैक्टिस भर कर ले तो बहुत है। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? अभी किसी के दिमाग में ये बैठ सकता है कि एक्सेलेरेशन अप का मतलब लिफ्ट का ऊपर जाना होता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऊपर एक्सेलेरेशन के दो मतलब है, एक्सेलेरेशन अप के दो मतलब है, स्पीड इज अपवर्ड एंड इंक्रीजिंग, इसका मतलब होता है एक्सेलेरेशन ऊपर है, है ना। स्पीड इज डाउन वर्ड एंड डिक्रीजिंग, इसका भी मतलब क्या होता है? एक्सेलेरेशन अप। क्या बताओ, कोई लिफ्ट नीचे जाते जाते ब्रेक लगा दे, नीचे जाते जाते ब्रेक लगा दे, तो उसका भी एक्सेलेरेशन कहां होगा? ऊपर होगा।
जब भी यार दो सिचुएशन में हमें अपना वेट लिफ्ट के अंदर बढ़ा हुआ महसूस होता है, कब? लिफ्ट जब नीचे से ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ाती है तब, या नीचे जाते जाते ब्रेक लगाती है तब भी हमें अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। दो केस में हमें डर लगता है लिफ्ट में, कब? जब लिफ्ट नीचे एक्सलेट करती है, नीचे एक्सलेट करती है तो हमारा नॉर्मल एक्शन कम हो जाता है, और जब कॉन्टेक्ट हमारा जमीन से कम होता है तो हमें डर लगता है। ये नेचर ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया, जब भी नॉर्मल एक्शन कम होता है तो हमें डर लगता है, और ये डर सही भी है, ये सही भी है, इसका मतलब हम नीचे जा रहे हैं, खतरा है ना। जब लिफ्ट नीचे एक्सलेट करती है तब, या ऊपर जाते जाते ब्रेक लगाती है तब, क्या केस टू का मतलब क्या था? एक्सलेटिंग डाउन, एक्सलेटिंग डाउन के दो मतलब हैं, क्या? मूविंग डाउन, स्पीड डाउनवर्ड्स है, एंड इंक्रीजिंग। नीचे स्पीड है और बढ़ रही है तो भी एक्सेलरेशन डाउन होता है, और स्पीड अपवर्ड है एंड डिक्रीज कर रही है, ऊपर स्पीड है और घट रही है तो भी एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे होगा। तुम्हें पता है ना यार, वेलोसिटी ऊपर हो और वो घट रही हो तो एक्सेलरेशन उसके खिलाफ होता है कि नहीं? तो इन दोनों कई बात समझ पा रहे, स्पीड ऊपर हो और एक्सेलरेशन उसके खिलाफ हो, खिलाफ हो मतलब स्पीड घट रही हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे के दो मतलब है। आमतौर पर कोई लिफ्ट जब ग्राउंड फ्लोर से पांचवें फ्लोर पे जाती है तो ना लगातार एक्सलेट करती है, ना लगातार रिटार्ड करती है, लगभग आधे फ्लोर तक वो एक्सलेट करती है, फिर आधे से लेकर साढ़े चार फ्लोर तक यूनिफॉर्म मोशन रहता है, और साढ़े चार से पांच फ्लोर तक वो रिटार्ड करती है। कभी भी लिफ्ट का मोशन लगातार एक्सलेटिंग और लगातार रिटार्डेड नहीं होता है। तो तुम्हें हमेशा जो भी कुछ महसूस होता है वो एकदम शुरू में महसूस होता है लिफ्ट के, या एंड में महसूस होता है, बीच में महसूस नहीं होता है, क्योंकि बीच में लिफ्ट कैसे मोशन में चलती है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब इनर्शियल फ्रेम, उसमें हमें नियम में कोई भेदभाव। तो यार अभी मैंने एक्सेलरेशन डाउन और एक्सेलरेशन अप की बातें करी, अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई लिफ्ट का यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन चाहे नीचे जा रहा हो चाहे ऊपर जा रहा हो, अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो क्या बताओ, लिफ्ट वाले आदमी को स्यूडो फोर्स महसूस होगा कि नहीं? नहीं होगा यार, ये एक्सेलेटिंग फ्रेम ही नहीं है तो स्यूडो फोर्स महसूस नहीं होगा। और उस केस में mg नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, और नॉर्मल एक्शन का आंसर क्या होगा? mg। चाहे ये बनवा लो चाहे ग्राउंड वाले से बनवा लो, ग्राउंड वाला भी क्या कहेगा? नहीं, मूव तो कर रही है मगर एक्सेलेशन नहीं है। बिना एक्सेलेशन के मूव करना अलग चीज है, यूनिफॉर्म मोशन में स्यूडो फोर्स नहीं लगता। क्या बात समझ में आ गई है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब जीरो एक्सेलेशन। जमीन पे खड़े आदमी से पूछ लो तो क्या कहेगा? भाई यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब एक्सेलेशन जीरो है, mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, एक्सेलेशन जीरो है, इसका मतलब n बराबर क्या होगा? mg। मोशन और एक्सेलेशन अलग अलग चीजें हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन से थोड़ी स्यूडो फोर्स लगता है। यूनिफॉर्म मोशन से अगर कोई चीज चल रही तुम पता ही नहीं कर सकते हो कि ये चल रही है या रुकी है। आमतौर पर ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम माना जाता है, क्या तुम्हें कभी लगता है कि अर्थ चल रही है? नहीं। हालांकि थोड़े बहुत एक्सेलेशन अर्थ में हैं, वो हमें महसूस नहीं होते यार, वो सब वेट के चक्कर में छुप जाते हैं। अगर आइडियली बोला जाए तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और हर चीज जो सर्कुलर मोशन में उसके अंदर स्यूडो फोर्स होता है, लेकिन ना के बराबर है, बहुत कम, इसलिए हमें कभी महसूस, अर्थ स्पिन कर रही उस चक्कर में स्यूडो फोर्स होता है, मगर वो सब चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। क्या इस कमरे में ऐसा लग रहा है कि अर्थ चल रही है? अगर कोई ट्रेन भी जब यूनिफॉर्म मोशन पकड़ लेती है तो नहीं महसूस होता। एक एरोप्लेन जब 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होता है और उस पर कोई टर्बुलेंस ना हो तो तुम्हें क्या लगता है? रुका हुआ है। 1000 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो और यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो तब हमें कभी स्यूडो फोर्स महसूस नहीं होता है। स्टार्टिंग में महसूस होता है, एंड में महसूस होता है, बीच के दौरान महसूस, तो उस दौरान क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये बात समझ में आ गई है?
यानी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर हम लिफ्ट में बैठे हैं कि तो जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, जी होगी, उसमें क्यों फर्क पड़ेगा? एक्सलेटिंग में फर्क पड़ता है, वैसे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, कभी कभार यहां तक भी बातें होती हैं। ये M1 मास है, ये M2 मास है, इसको पुली के सहारे ऐसे लटका दिया गया है। मुझे बताओ अगर ये कार्ट रुकी हो तो ये M1 मास मूव करेगा या नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं ये सब कुछ रुका है जमीन पे, तो इसमें मोशन आएगा या नहीं आएगा? कौन रोक रहा है? क्या बताओ, इसमें M1G नीचे है, ऊपर टेंशन है, यहां टेंशन आगे है, पीछे कौन है? यार बोले ना तो अपने मन से फ्रिक्शन थोड़ी माना जाएगा यार। इस टेंशन के खिलाफ कोई है, और जब कोई खिलाफ नहीं दे तो चल देगा, और ये चलेगा तो ये भी चलेगा। लेकिन अब मैं उसके रोकने का इंतजाम कर रहा हूं। मैं इस ट्रॉली को किसी एक एक्सेलेरेशन से चलाता हूं, तो बताओ जैसी एक एक्सेलेरेशन से चलाऊंगा तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें क्या और दिखा देना चाहिए? इसको भी स्यूडो फोर्स, और खैर इसके स्यूडो फोर्स से कोई फायदा नहीं है, इसको कौन रोक लेगा? साइड नॉर्मल एक्शन। लेकिन इसके स्यूडो फोर्स से हम इसको रोक सकते हैं? नहीं। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन ए ऑफ कार्ट सच दैट M1 एंड M2 रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। इसको कार्ट बोला है मैंने। ये कार्ट एक एक्सेलेरेशन से चल रही है, तो ना M1 गिर रहा है ना M2 चल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। किसने रोका है? स्यूडो फोर्स ने। तो क्वेश्चन पूछा गया, ए का आंसर बताओ, ए बताना यार कितना होना चाहिए जिससे ये ना गिरे, बाकी सब गिवन है। कुछ ना समझ में आए तो हमें बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, जवाब खुद मिल जाएगा। और इस बार फ्री बॉडी डायग्राम किसके रिस्पेक्ट में बनाओगे? कार्ट के हिसाब से, सब कुछ उसी के हिसाब से, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करना है। दो लाइनें बस लिखना है, आंसर आ जाएगा। मैं चाहता हूं कुछ कोशिश तुम करो, फिर तुम्हें बताऊंगा ही। सही है। हर चीज का जवाब फ्री बॉडी डायग्राम में छुपा है। कुछ ना समझ आए तो बस स्टेप करो, अपने आप आंसर मिलेगा। फ्री बॉडी डायग्राम तो बनी ही है यार, इसमें कुछ और बनाने नहीं, जितना बना दिया उतना बना है। बस इतना और लिख देना कि ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ क्या है? रुका है। तो बताओ इस फ्री बॉडी डायग्राम से क्या इक्वेशन बनेगी? बताओ जरा यहां क्या बनेगी? अगर ये रुका है तो t बराबर क्या होगा? M1g, n प्राइम बराबर क्या होगा? अब n प्राइम पूछा नहीं गया है तो हम फालतू में उसके चक्कर में क्यों पड़े? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ ये भी तो रुका है, ये भी रुका है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका बनेगा t बराबर m2a। तो यार ये भी t के बराबर, ये भी t के बराबर, तो दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। क्या मैं t की जगह m2a लिख दूं? तो एक आंसर क्या आ गया? m1g by m2। क्या ये बात समझ आ रही है? ये बात तुम अब सीधे नहीं समझ सकते हो। इसको गिराना कौन चाहता था? m1g, ड्राइविंग लाइन के अलोंग m1g ने है, तो जो गिराना चाहता है, तो इसको बचाया किसने है? M1A का, M1A ने। तो सीधे M1A को हम M1G के M2G के बराबर लिख दें, बच गया। नहीं समझ आ रहा है? ये बचाने वाला, ये गिराने वाला, दोनों आपस में बराबर कर दो, बीच की बात ना भी सोचो।
लेकिन ठीक है, जब तक नहीं समझ आ रहा तो स्टेप काम आते हैं। अभी तुम्हें ये भी समझ आ रहा होगा, आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बिना मेरी मदद के लोग करेंगे। इस बार वेज हमारी ये वाली है, और ये आदमी क्या कह रहा है कि हम इसको गिरते हुए नहीं देख सकते हैं। इसने विश मानी, भीख मांगी है शंकर भगवान से कि हम इसको गिरते हुए नहीं देख सकते हैं। तो शंकर भगवान ने अपना एक दूत भेजा और इसको एक्सेलेट करा दिया, है ना? क्वेश्चन यही है, फाइंड एक्सेलेशन ए सच दैट ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। इसका नाम वेज रखा है, कार्ट नहीं रखा है, वेज। ये हमारा क्या है? वेज। तो शंकर भगवान ने वेज को चलवा दिया है, ये रुक गया है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना यार, कौन रोकेगा? स्यूडो फोर्स। अब ये मत कहना शंकर भगवान, क्यों? क्योंकि शंकर भगवान हो चाहे कोई भी भगवान हो, नियम के खिलाफ नहीं जाते हैं। फिजिक्स के नियम तो फॉलो करना ही है। अच्छा, इसको कौन गिराना चाहता है, याद है ना यार? कौन गिराना चाहता है? हम इसकी बीड़ी तिरछी बनाया करते थे। कौन गिराना चाहता है? ये सब बातें तुम्हें समझ आना चाहिए। तुमने जल्दी बचा लिया यार, तुम शंकर भगवान के दूत मत बनो, नियम तोड़ रहे हो। ये बताओ, इधर एक्सलेट कराया है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? ये बहुत एक्सपेक्टेड गलती में लगेगा, सबको ही तुरंत बचाता है, सुपरमैन बन जाता है। ए से आगे है तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, और तुमने कहाँ लगाया है? तो यार पहले तो वो पुरानी बातें कर ले जो हम हमेशा करते आए हैं। बताओ इस एम मास पे एमजी नीचे लगता है कि नहीं? हम इसकी छुट्टी करके दो फोर्स लगाते थे, याद है ना यार? चलो यही कर देता हूं मैं। क्या मैं ये शो कर चुका हूं कई बार कि एंगल थीटा होता है? तो एमजी की छुट्टी करके हम उसके जगह दो फोर्स लगाते थे, एमजी साइन थीटा और एमजी कॉस थीटा। क्या ये बातें सबको याद है कि नहीं है? तो कौन है जो गिराना चाहता है? तो कौन बचाएगा? स्यूडो फोर्स बचाएगा। क्या इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर ये आगे एक्सेलेरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं? वही बचाएगा, और कौन बचाएगा? हाँ, अब हुई ना बात। ये लाना है, लाओ ये। ये बताओ अभी कहां आया है? अगली लाइन में आएगा ना। सीधी एफबीडी क्यों बनाई है? अच्छा, तुमने ऐसी बनाने की आदत बना रखी है, इसी चक्कर में तो गड़बड़ होगा। तिरछी एफबीडी को तिरछी बनाओ, उसको सीधा करने से अच्छा लगता है, इसलिए सीधा बना लेते हो। हाँ भाई, स्यूडो फोर्स कहां आएगा बताओ? अच्छा, अगर एक्सेलेरेशन राइट है तो स्यूडो फोर्स इधर आएगा, नहीं आएगा? तो ये तो बचा ही नहीं रहा यार, बचाने के लिए इधर लगना चाहिए था। अरे, तो ये बचाने थोड़ी आया यार, ये अपने नियम के हिसाब से लगेगा। अगर वेज आगे एक्सलेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगा? पीछे। तो क्या जैसे तुम एमजी के कंपोनेंट कर लेते हो, स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट नहीं कर सकते? मुझे बताओ, अगर ये ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टली, तो ये एंगल थीटा है तो तुम शो कर सकते हो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो अब हमें इस एमए के कंपोनेंट करना चाहिए, एक बचाने वाला, ये बताओ बचाने वाला किस में आएगा? कॉस में। और एक ट्रैक के लॉन्ग प्रेस करने वाला आएगा, वो नॉर्मल एक्शन बढ़ाएगा, उसकी बात चलेंगे तो वो भी सोचना पड़ेगा।
अभी फिलहाल बचाने की जिम्मेदारी है तो हमें क्या कर देना चाहिए, एम ए कॉस थीटा किसके बराबर लिख देना चाहिए, यार ये गिराने वाला ये बचाने वाला दोनों को बराबर कर दिया, बच गया। तो ए का आंसर कितना आ गया, कितना आ गया जी टेन थीटा। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, घूम फिर के ये बहुत बार रिपीट होता है, कई बात समझ में आ गई है। अभी इसमें कभी कभार नॉर्मल एक्शन भी पूछ लिया जाता है, तो बताओ नॉर्मल एक्शन अब नहीं बता पाओगे कितना होगा, ये भी तो है भाई एम ए साइन थीटा। और ए अभी अभी जो आंसर आया वो उठा के यहां रखना पड़ेगा, क्या रखना है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके लिखना है क्योंकि आंसर बहुत छोटा आने वाला है, पूरे में एम जी कॉमन आ रहा है भाई, तो एम जी तो मैंने भारी कर लिया है, और यहां आएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस। बताओ अब क्या करें, कॉस एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और पहले से क्या लिखा है साइन स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया है एम जी बाई कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं एम जी सेक थीटा। ये भी बहुत फेमस है। ये कार्ट 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रही है, क्वेश्चन कहा गया ये 5 केजी का एक्सेलरेशन कितना आएगा और किसके रिस्पेक्ट में, कार्ट के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, कार्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है, नहीं कर पाया, देख लो बगल वाले से देख लो। ये रफ है भाई, म्यू है इसमें। अच्छा बताओ 5 केजी का एक्सेलेरेशन इस बंदे को किस तरफ मिलने का चांस है, पीछे ना, क्योंकि स्यूडो फोर्स भी भाई, और कोई तरीका ही नहीं है यार, इसको चला कौन है, चलाएगा कौन, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, एम इंटू ए, यानी 5 × 6 मतलब कितना यार, इसको 30 न्यूटन का स्यूडो फोर्स महसूस हो रहा होगा 5 किलोग्राम पे। तो बताओ अगर 30 न्यूटन का फोर्स है तो ये पीछे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा, कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, आगे लगेगा, सीधी सी बात है। अब तुम जमीन से मत मिक्स फीलिंग मत लाओ, जमीन से कुछ मत सोचो, सब कुछ उसी के फ्रेम में सोचो, मिक्स फीलिंग लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्यूडो फोर्स पीछे है तो चलना पीछे चाहता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे। अब जरा फ्रिक्शन चेक कर लो है कितना, कितना है 10 न्यूटन मात्र, तो इसका मतलब फ्रिक्शन हार जाएगा, एफ के लगेगा 10 और एक एक्सेलेरेशन आएगा, ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है एक्सेलेरेशन,
ये ग्राउंड से एक्सेलेरेशन नहीं है, कार्ड के रिस्पेक्ट में है। कितना आएगा, कितना आ गया, 30 - 10 बराबर 5a, कितना आ गया 4 m/s² पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है कि नहीं, तो पीछे स्यूडो फोर्स आगे फ्रिक्शन, दोनों की लड़ाई में 20 से जीत होगी, बराबर है हमें। कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ गई है या कोई दिक्कत है? अच्छा मुझे बताओ, ये 6 से जा रहा है जमीन के रिस्पेक्ट में और ये 4 से पीछे जा रहा है, तो एक्चुअली वो जमीन से कितने से चल रहा है? अगर जमीन से देखे तो क्या नजर आएगा? जमीन से अगर देखोगे तो क्या नजर आएगा? तो 2 से आगे जा रहा है, 2 से आगे जा रहा है, यही नजर आएगा ना, आएगा। अच्छा आज ही के दिन हमने ऐसी कुछ बात करी है, अब थोड़ा जमीन में उतर के इसको देखो, ये म्यू कितना है 0.2, अगर ये 6 से जा रहा है, जमीन से उतर के देखो, ये 6 से जा रहा है तो इसको भी आगे जाने के मन होगा साथ साथ, तो इसको कौन आगे चला सकता है? उधर मत देखो, मिक्स मत करो यार, इसको केवल और केवल फ्रिक्शन चला सकता है। कोशिश तो होगी साथ साथ चले, मगर फ्रिक्शन भी तो साथ दे। फ्रिक्शन ज्यादा ज्यादा कितना लग सकता है, 20, कितना लगेगा 20, ज्यादा ज्यादा इतना ही लग सकता है। साथ चलना है तो पता है फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर साथ चलना है तो फ्रिक्शन पता है कितना चाहिए इसको, 5 × 6 30 चाहिए। क्या 30 फ्रिक्शन है क्या? तो इसका मतलब स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा। जैसे ही पता चला काइनेटिक लगेगा तो काइनेटिक तो 20 ही हो सकता है ज्यादा ज्यादा, तो बता अगर, अच्छा 10 हो सकता है, एफ के बराबर म्यू इंटू एन, 5g कितना 10, तो यार एफ के तो 10 ही हो सकता है। अब 10 का एक्सेलेरेशन, तो 10 का फोर्स है तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, या 10 का फोर्स है 5 किलोग्राम की बॉडी है तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? हाँ क्या यार, 2 का एक्सेलेरेशन आएगा क्या? इस बात पे किसी को दिक्कत है क्या भाई? फ्रिक्शन काइनेटिक 10 है तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? तुम्हें याद है म्यू की फ्रिक्शन में म्यू जी से ज्यादा एक्सेलेरेशन नहीं आता, तो म्यू 0.2 है और जी 10 है, तो 2 का एक्सेलेरेशन आएगा इसका। ये 2 से चल रहा है, नीचे वाला 6 से चल रहा है, तो इसके फ्रेम में ये कितने से पीछे छूटेगा? ये क्वेश्चन जरूरी नहीं उस फ्रेम में किया जाए, कर तो हम इसी फ्रेम में कर सकते हैं, बट ज्यादा कन्विंसिंग किसमें लगता है उसमें, तो जो जिसमें फ्रेम में पूछा हो उसी फ्रेम में डिस्कस करो। ग्राउंड की बातें करी है तो ग्राउंड में उतर के डिस्कशन करो, और अगर उसके फ्रेम में डिस्कशन पूछा है तो उसी फ्रेम में करो। इसीलिए हमने स्यूडो फोर्स पढ़ाई है। क्या जनता समझ गई यार स्यूडो फोर्स अप्लाई करना? तो इसके 12 क्वेश्चन है, यही खत्म करो यार, अगली क्लास में नए सिरे से नया क्वेश्चन करेंगे, नहीं कर पाओगे 12 क्वेश्चन। हाँ कर लिए 10, गुड ठीक है, तो घर पे कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में, सारे हो ही जाएंगे। एक को छोड़ देना यार, ये 9वां छोड़ दो, 9th।